स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आवर टुडेस टॉपिक इज लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एज एन एलेग्रिकल नावल। एलेग्रिकल नावल या फिर लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एज एन एलेग्री। एलेग्री जो है किसी ऐसी स्टोरी को या किसी ऐसे नावल को किसी ऐसे ड्रामा को कहा जाता है जिसके डबल मीनिंग होते हैं, मतलब अपेरेंट लेवल पे कोई और मीनिंग होता है और उसका जो है सरफेस मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन अगर उसको डीपली देखें तो वो कोई और मतलब देता है। जैसा कि हमने गुलीवर ट्रैवल को किया था। विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ फ्लाइज इज कंसिडर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल्स ऑफ ऑल टाइम इन इंग्लिश लिटरेचर फॉर इट्स एक्सेप्शनल प्लॉट एंड रेलिवेंट सोशल सब्जेक्ट। अब लॉर्ड ऑफ फ्लाइज जो नावल है विलियम गोल्डिंग का, ये एक बहुत बड़ा अजीम नावल है इंग्लिश लिटरेचर की वर्ल्ड में, क्योंकि इसका प्लॉट और इसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज़ हु आर स्टैंडर्ड ऑन अ ट्रॉपिकल आइलैंड। अब क्या है कि ये कहानी किनके बारे में है, एक स्कूल के लड़कों का ग्रुप है जो कि एक जो है आइलैंड पे खड़े हुए हैं। देर यूजलेस इंडेब्यूट टू फॉर्म अ सिविलाइज सोसाइटी, और उनका मकसद ये है कि और अपनी कोशिशों में लगे हैं कि किस तरह से एक जो तहजीब याफ्ता सोसाइटी होती है उसको कायम करें। एज अ टाइम गोज देर इनहेरेंट इवल एंड वीक नेचर बिकम अपेरेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो उनकी जो बुराइयाँ होती हैं या उनके जो बुरे इरादे होते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। एंड दे नियरली एंड अप डिमोलिशिंग द आइलैंड एंड ईच अदर। डिमोलिशिंग कहते हैं किसी चीज़ की जो है तबाही करना या किसी चीज़ को ख़राब कर देना। तो ये जो है एट द एंड ऑफ नावल जो है आइलैंड को और एक दूसरे को बर्बाद करने में जो है ना कामयाब हो जाते हैं। द स्टोरी ऑफ द नावल इज़ नॉट ओनली मूविंग एंड कैप्टिवेटिंग बट इट इज़ ऑल्सो वर्क एज एन एलेगरी। कि ये स्टोरी जो है सिर्फ जो आपको देखने में सुनाई दे रही है या जिसको आप पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ वही मतलब नहीं है, बल्कि एक एलेगरी स्टोरी है, इसका डीपर लेवल पर कोई और मीनिंग है। What is an allegory? An allegory is a fictional story that imparts a meaning not clearly described in the narrative. कि एलेगरी जो है किसी ऐसी फिक्शनल स्टोरी को कहते हैं, किसी ऐसे नावल की कहानी को कहते हैं जिसका मतलब जो है डीपली कुछ और होता है, मतलब कहानी में जो मतलब बताया गया होता है उसके अलावा भी उसके मीनिंग्स होते हैं। एन एलेगरी इनकॉर्पोरेट्स पर्सन सेटिंग सिचुएशन डेट कैन बी एक्सप्लेन टू एक्ट ऑफ फॉर हिडन मीनिंग एंड विद मॉरल और पोलिटिकल सिग्निफिकेंस। कि यानी एलेगरी जो है वो कोई भी शख्स है या उसकी सेटिंग है या उसका प्लॉट है नावल का, तो उसके हिडन मीनिंग होते हैं, मीनिंग होते हैं, वो चाहे अखलाकियात के लिहाज से भी हो सकते हैं, मज़हब के लिहाज से भी हो सकते हैं, सियासी लिहाज से भी हो सकते हैं। विलियम गोल्डिंग फेमस नावल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज इज़ बेस्ट नोन एज एन एलेग्रिकल नावल बट इट डिस्क्राइब द ऑथेंटिक कंडीशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज स्टैंडर्ड ऑन अ ट्रॉपिकल आइलैंड टू परसोनीफाई द सिम्बॉलिक आइडियाज रिलेटेड टू मैनकाइंड्स इननेट विशियसनेस एंड रिस्क ऑफ मॉब मेंटेलिटी एंड अथॉरिटेरियन लीडरशिप। तो ये जो गोल्डिंग का ये जो बहुत ही मशहूर नावल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, इसको एक एलेग्रिकल नावल कहा जाता है क्योंकि इसमें एक सिर्फ स्कूल के लड़कों के जो का जो ग्रुप है ना उनका एक आइलैंड पे जो है वहाँ पे स्टे उसे उसी को बयान नहीं किया गया, बल्कि जो है इसके सिंबॉलिक आइडियाज़ भी बहुत से निकलते हैं, जैसे कि टू मैनकाइंड्स इननेट विशियसनेस, के इंसानियत के अंदर जो फितरी तौर पर बदकारी होती है या बुराइयाँ होती हैं, एंड द रिस्क ऑफ मॉब मेंटेलिटी और लोगों के हजूम का जो खौफ होता है या ख़तरा होता है, एंड अथॉरिटेरियन लीडरशिप, और हर इंसान जो है वो अथॉरिटी चाहता है, हर इंसान जो ये चाहता है कि उसके पास ओहदा हो, उसके पास लीडरशिप हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके सिंबॉलिक मीनिंग में आ जाती हैं। जनरली एन एलेग्रिकल नावल यूजेस सर्टेन इमेजेस पर्सन एंड प्लेसेस टू शो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, फॉर इंस्टेंस अ करेक्टर बाय द थीम नेम ऑफ लवर सिंबलाइजिंग द आइडिया ऑफ रोमांटिक लव। अब इस हर जो एलेग्रिकल नावल होता है ना वो जो है डिफरेंट सिंबल्स के जरिए, डिफरेंट चीज़ों के जरिए जो है किसी के नाम के जरिए, किसी जगह के जरिए, जो है किसी शख्स के जरिए जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को अपने रीडर्स तक जो है उसमें कॉन्वे किया जाता है। बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर। In his famous novel Lord of Flies, William Golding builds a backdrop of World War for a story about school boys trying to create a human society adopting the imagined demolition of civilization. अब इस मशहूर नावल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में विलियम गोल्डिंग जो है ना वर्ल्ड वार का जो है बैकग्राउंड जो है दिखाना चाहता है, क्योंकि ये नावल उसी टाइम में लिखा गया था जब वर्ल्ड वार के खतरात जो थे वो मंडला रहे थे, और स्कूल बॉयज़ जो हैं वो उनको ये इसलिए दिखाया गया है कि यानी किस तरह से वो जो है उनके इमेजिनेशन में जो है ये है कि वो तहजीब को किस तरह से ख़राब करते हैं। करेक्टर इन द नावल पर्सोनीफाइड डिस्टिंक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ मैनकाइंड। अब इसके जो करेक्टर्स हैं कुछ इंसानियत अच्छे इंसानों को सिम्बलाइज करते हैं, अच्छे इंसान दिखाए गए हैं, और कुछ जो हैं बुरे दिखाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल पिगी सिम्बलाइजेज रैशनैलिटी एंड इंटेलिजेंस, मतलब पिगी का जो करेक्टर है ना वो समझ बूझ को और जहानत को रिप्रेजेंट करता है, एंड जैक सिम्बलाइजेज क्रुएलिटी इवल एंड अथॉरिटेरियनिज्म, और जो जैक का करेक्टर है वो जुल्म को बुराई को और जो अहदादारी होती है ना उसको सिम्बलाइज करता है। ऑब्जेक्ट ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड ऑल्सो एज एन
आल्सो एक्ट एज एलेग्रिकल पर्पज। अब इसके अलावा वहाँ पे ट्रॉपिकल आइलैंड पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी उनका जो है एलेग्रिकल जो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की गई हैं, मतलब उनके भी जो हैं वो सिर्फ उन चीज़ों के जो नाम या उन वहाँ पे पड़ा होना वो कोई इसका खास मकसद नहीं है, बल्कि सिंबॉलिकली वो कोई और मीनिंग दे रहे हैं। पर्टिकुलरली द कॉन्च, कॉन्च जो है वो सिंबलाइज करता है कम्युनिकेशन को, सिविलाइजेशन को एंड ऑर्डर को। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एज एन एलेग्रिकल नावल अर्थ रीडर टू रेज क्वेश्चन ऑन द आइडियाज डैट कंट्रोल ह्यूमन इंट्रैक्शन एंड इन्वेस्टिगेट द मैनर द लार्जर पावर अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। अब लॉर्ड ऑफ फ्लाइज जो नावल है ये एलेग्रिकल नावल है और अपने रीडर्स को जो है इस चीज़ पर कन्वेंस करता है कि वो सवाल उठाएं कि किस तरह से इंसान जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और किस तरह से इंसानी ज़िंदगी पे जो है ना वो बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। बाई नरेटिंग द टेल ऑफ एन आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज़, अब यानी इससे नावल में उसने वैसे तो एक कहानी बयान की ना, एक स्कूल के लड़के हैं वो यानी किसी दूर आइलैंड पे चले जाते हैं ट्राइंग टू रीमॉडल सोसाइटी, लेकिन और वो जो है वहाँ पे एक नई सोसाइटी एक नई सिविलाइजेशन बनाने की कोशिश करते हैं। द नावल क्वेश्चंस विदर द डिसरप्शन ऑफ सोसाइटी इनटू वॉर इज इमिनेंट। तो डिसरप्शन कहते हैं किसी चीज़ की रुकावट को या फिर किसी चीज़ के इंतशार को, और इनटू वॉर इज इमिनेंट के यानी क्या ये चीज़ें किसी सोसाइटी का जो है उसको तबाह करना उसको बर्बाद करना जो है इंसान को का जवाल का सबब नहीं बनता। एंड व्हाट फोर्सेस इनसाइड अस लीड अस टू वार्ड सेल्फ डिमोलिशन, और वो कौन सी ऐसी ताकतें होती हैं जो कि हमें जो है सेल्फ डिमोलिटेशन की तरफ लेके जाती हैं, मतलब हमारी सेल्फ को हमारी खुद ही को हमारी ज़ात को जो है बर्बाद करने का सबब बनती हैं। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एज एन सोशल एलेग्री, सोशल एलेग्री किस तरह से है जी, वी कैन रीड अलगोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ फ्लाइज बोथ है सोशल एलेग्री एंड बिब्लिकल एलेग्री, मतलब इसको आप रिलीजियस लेवल पे भी पढ़ सकते हैं और सोशल लेवल पे भी जो है देख सकते हैं। बाय इंटरप्रेटिंग एट इट एज एज सोशल एलेग्री वी कैन से दैट ट्वेल्व सिंबलाइजेस डेमोक्रेसी एंड सिविलिटी। तो डेमोक्रेसी कहते हैं कि अवाम की जो हुकूमत होती है या जमहूरियत को, एंड सिविलिटी कहते हैं इंसानियत को। तो यानी जो रेल्फ का करैक्टर है वो इंसानियत को जमहूरियत को सिंबलाइज करता है, कीपिंग द स्टेटस ऑफ लीडर, क्योंकि जब उसको लीडर का स्टेटस दिया जाता है एंड फाइंडिंग द कोच, और जब उसको कॉच मिल जाती है विच इज़ इट सेल्फ एन एम्बलम ऑफ कल्चर डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स, जो कि खुद एक कल्चर डेमोक्रेटिक की जो है ना इलामत है। ऑन द अदर हैंड पीगी हु टर्न्स इनटू रेल्फ्स काउंसलर, और दूसरा करैक्टर जो पीगी होता है जो कि उसको गाइड करता है रेल्फ को, वो किसको सिंबलाइज करता है, रैशनैलिटी को एंड इंटेलिजेंस को, समझबूझ को और जहानत को। द की स्टोन ऑफ एन इफेक्टिव सोसाइटी, जो कि किसी भी मुआशरे का एक अहम हिस्सा होते हैं। पीगी एंड रेल्फ ऑपरेट्स एज टू सेक्शंस ऑफ अ टोटेलिटी विद नो वन ऑफ टू कैपेबल ऑफ प्रोडक्टिविटी लीडिंग विदाउट द अदर। अब वो जो दोनों करैक्टर्स होते हैं वो अपनी सारी एफर्ट्स लगा देते हैं एक न्यू सोसाइटी की फॉर्मेशन में, और वो दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। दे आर एसोसिएशन रिप्रेजेंट द नेसेसिटी ऑफ रैशनैलिटी एंड इंटेलिजेंस इन डेमोक्रेसी अलॉन्ग विद द नेसेसिटी ऑफ लीडरशिप कैपेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ लॉजिक एंड इंटेलिजेंस टू बी एग्जीक्यूटेड प्रोडक्टिवली। यानी उन दोनों का इकट्ठा होना इस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि एक अच्छे सोसाइटी के फॉर्मेशन के लिए, एक अच्छी लीडरशिप को फॉर्म करने के लिए, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो कि उसकी रेल्फ की क्वालिटीज़ हैं और जो कि पिगी की क्वालिटीज़ हैं। मतलब एक इंसान का अगर खाली समझदार है तो वो इनफ नहीं होगा एक अच्छा लीडर बनने के लिए। एक अच्छे लीडर बनने के लिए उसमें इंसानियत भी होनी चाहिए। अगर कोई इंसान जो है वो इंसानियत रखता है, अच्छे अखलाक रखता है, लेकिन उसमें समझ नहीं है, अकलमंदी नहीं है, तो फिर भी वो इंसान बेकार है। तो यानी इन दोनों का इकट्ठा होना ये सिंबलाइज करता है कि वो दोनों मिल के जो है एक अच्छा सिस्टम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जैक सिंबलाइजेस बोथ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एंड अ मोर बर्बेरिक इंस्टिंक्ट अप्रोचिंग डिसऑर्डर। और जो जैक का करैक्टर है वो एक अच्छा करैक्टर नहीं होता, और ये वो ऐसे लीडरशिप को सिंबलाइज करता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जहालत होती है, जुल्म सितम होता है, डिसऑर्डर्स होते हैं। गोल्डिंग मेक्स यूज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ द स्कूल बॉयज टू डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रगल बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एब्सोल्यूटिज्म। तो वहाँ पे जो लड़कों का ग्रुप था उनकी डिफरेंट ओपिनियंस, इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए थे, डिफरेंट टीम्स अपनी बना ली थी कि जिनके दरमियान ये क्लैश पाया जाता था कि कुछ जो थे वो डेमोक्रेसी को मानते थे और कुछ एब्सोल्यूटिज्म को मानते थे। एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं कि यानी कंट्रोल को या फिर जहालत के ज़रिए जो हुकूमत जो है वो चलाई जाती है। सिमन हु इज़ ब्रूटली मर्डर्ड सिंबलाइजेज इनर ह्यूमन मोरालिटी एंड गुडनेस डैट इज़ विशियसली सबड्यूड बाय द वॉइस ऑफ ह्यूमन नेचर। तो सिमन का जो करैक्टर होता है जिसको बहुत बेरहमी से मारा जाता है, वो ये इस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि किस तरह से अच्छाई और अखलाकियात जो है ना वो इंसानी नेचर से बर्दाश्त नहीं होते, और वो किस तरह से उसको जो है बुरी तरह से उस पर ज़्यादती करके उसको मार देते हैं या उसको ख़त्म कर दिया जाता है। सो द सिविलाइज बॉयज़ एज सिमन एंड रॉल्फ यूटिलाइज देयर पावर टू सेव द अदर बॉयज़। अब जो महज़ब लड़के होते हैं जो जैसे कि सिमन और रॉल्फ हैं, वो अपनी पावर्स को, अपनी ताकतों को जो है दूसरे लड़कों को महफूज करने के लिए, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड फॉरवर्ड द गुडनेस ऑफ द ग्रुप ऑन द अदर
हैंड, और यानी लोगों में जो है अपने ग्रुप में जो है अच्छाई को जो है फैलाते हैं। ऑन द अदर हैंड सेवेज बॉयज एज जैक एंड रॉगर यूटिलाइज द पावर टू सेटिस्फाई देयर ओन एस्पायरेशन। लेकिन जो कि जैक और रॉगर जैसे लड़के होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील के गुलाम की गुलामी करते हैं, यूजिंग द यंगर बॉयज एज ऑब्जेक्ट फॉर देयर ओन प्लेयर। और छोटे लड़कों को जो है अपने मकसद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एज अ बिब्लिकल एलेगरी, मतलब बिब्लिक यानी जिसका बाइबल से ताल्लुक होता है उनके यानी मजहबी एलेगरी इसको क्यों कहा जाता है। वी कैन ऑल्सो रीड गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एज अ बिब्लिकल एलेगरी। द स्कूल बॉयज आर स्ट्रैंडेड ऑन अ गार्डन ऑफ इडन लाइक आईलैंड, यानी वो एक ऐसे बाग में खड़े हैं जो कि आईलैंड की तरह है, विच प्रोवाइड्स फॉर ऑल ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स जो उनको सारी जहाँ पे उनकी ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं। जैसा कि यानी वो था ना पैराडाइज लॉस्ट में कि एडम और ईव को हर चीज़ मुहैया थी, बट रादर दैन बीइंग सेटिस्फाइड टू लिव इन लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन वो लोग किसी कानून और किसी बाज़ाब्ता निज़ाम में रहने से मुतमईन नहीं थे। दे आर ओवरकम बाई फियर एंड इवेंचुअली डिमोलिश देयर एडेनिक आइलैंड विद ब्रूटल एंड केयरलेस एक्शन। तो क्या होता है कि उनकी वो जब किसी ऑर्डर को या किसी कानून को फॉलो नहीं करते और अपने खौफ को ख़त्म करने के लिए जो है अपनी जन्नत जैसी ज़िंदगी को जो है जन्नत जैसे आइलैंड को जो है तबाह कर बैठते हैं, और अपने जो है केयरलेस एक्शन के ज़रिए अपनी लापरवाहियों के ज़रिए। सीमन इज़ क्रिस्ट लाइक फिगर, सीमन जो है ना एक मजहबी फिगर होता है, बिकॉज ही प्लक्स फ्रूट फॉर द अदर बॉयज एंड कन्वर्स विद नेचर। अब वो उसने क्या गलती की थी कि उसने जो था एक फल को तोड़ा था और नेचर की खिलाफवर्जी की थी, ही एक्ट्स जेनरसली टुवर्ड अदर बॉयज। उसने तो अपनी तरफ से यानी एक सहावत वाला काम किया था ना, दूसरे लड़कों को फल तोड़ के दिया था। ही इज़ द फर्स्ट टू रिकोगनाइज द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द मॉन्स्टर एंड द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। तो ये पहला ऐसा बंदा था जिसके ज़रिए हमें ये पता चला था कि यानी किस तरह से मॉन्स्टर जो या फिर जो देव होता है वो दूसरों की या लीडर जो होता है ना वो दूसरों की मसाइल का सबब बनता है। द बीस्ट ऑन द आइलैंड इज़ नॉट एन एक्चुअल अर्थली मॉन्स्टर बट रादर अ विकेडनेस एंड इवल डैट लाइज विद ह्यूमन सोल। यानी इंसान जो है वो इतना अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन इंसान की जो ह्यूमन नेचर है ना उसी में जो है ना वो बुराई जो है पाई जाती है। यानी कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता, जितना मर्जी वो अच्छा हो जाए, लेकिन उसके अंदर यानी एक जो बुराई के लिए अट्रैक्शन होते ना, यानी अगर आपके पास दो रास्ते हो ना, एक अच्छा है एक बुरा है, तो आपको जो बुरा रास्ता होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो आपको ज़्यादा शॉर्ट और ज़्यादा ईजी लगेगा। अगर देखिए बट सीमन इज़ मर्डर्ड बिफोर ही कैन कॉन्वे दिस मैसेज टू अदर बॉयज़। लेकिन सीमन जो था इसे पहले ही मर गया था कि कत्ल कर दिया गया था कि वो अपना पैगाम दूसरे लड़कों तक पहुंचा सकता। सीमन बॉडी स्प्लैश इन टू द ओशियन, और उसके डेड बॉडी को जो था वो समंदर में बहा दिया गया। मून बी एम्बॉडीड क्रिएचर्स विद फायरी आइज, हिंटिंग एट आर डिपिक्शन ऑफ एंजल डिसेंडिंग टू सॉर्ट स्कॉट सीमन टू हेवन, कि जैसे यानी किसी फरिश्ते को जो है ना वो जन्नत में उतारा जाता है। आफ्टर इंटरप्रेटिंग गोल्डिंग्स इन दिस वे वी कैन से डैट इट इज़ अ रीटेलिंग ऑफ मैंस डिसओबीडियंस फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस इन विच मैन काइंड अपोज्ड गॉड एंड वाज थ्रोन आउट फ्रॉम द एडेनिक गार्डन। कि यानी ये स्टोरी जो है ना उसी तरह की है जैसा कि हमने पैराडाइज लॉस्ट में कहा था कि इंसान की नाफरमानी की वजह से उसे जो था वो जन्नत के बाग से निकाल दिया गया था, इसी तरह से यहाँ पे भी यही केस है कि खुदा के हुक्म के खिलाफ कर्जे करने की वजह से उनको जो था जन्नत से निकाल दिया गया। हाउवर सिमन्स डेथ इंस्टेड ऑफ बींग रिडीमिंग ऑफ द बॉयज इवल एंड विकेडनेस ओनली कैरीज ऑन द प्रॉपल दैम इवन फर्दर टूवर्ड्स इवल एंड विकेडनेस। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये था कि यानी सिमन की मौत की वजह से बाकी लड़कों को चाहिए तो ये था कि वो उससे सबक सीखें और जो है वो जो गलतियाँ उसने की हैं उनसे जो है बाज रहें और बुराइयों से बचें। लेकिन क्या था कि वो ये चीज़ जो थी ना उन्होंने वो उसके उल्ट चले थे और उन्होंने बुराई और बदी की तरफ जो थे वो धकेले जा रहे थे। इसके बाद लिमिटेशन एज एन एलेग्रिकल नावल, अब एलेग्रिकल नावल की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ट्रेट्स होती हैं जो कि इस नावल में नहीं पाई जाती, उसमें शॉर्टकमिंग्स में आ जाती हैं। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज हैज नॉट कम्प्लीटली फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ एलेग्रिकल नावल, मतलब एलेग्रिकल नावल की सारी ट्रेडिशंस पर ये सारे स्टैंडर्ड पर ये पूरा नहीं उतरता। इंस्टेड इट डिपार्ट्स फ्रॉम द कन्वेंशन ऑफ एलेग्रिकल नावल इन दैट द मेजर करेक्टर्स आर कम्प्लीटली इवॉल्व्ड कन्फ्लिक्टेड क्रेडिबल स्कूल बॉयज। मेजर करेक्टर हैं कुछ वो बाज़ाबता हैं, कुछ कन्फ्लिक्टेड हैं, मतलब मुख्तलिफ तजाबदात में बटे हुए हैं, और कुछ जो हैं वो ट्रस्टेबल हैं। इन अ कन्वेंशनल एलेग्रिकल नावल द करेक्टर रिप्रेजेंट अ सिंगल आइडिया, लेकिन क्योंकि एक जो एलेग्रिकल नावल रवायती तौर पे होता है ना उसके जो करेक्टर होते हैं ना वो सिर्फ सिंगल एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थ्रू आउट द नावल द ऑथर एम्फसाइजेस ओनली डैट आइडिया, और पूरे नावल में जो है वो ऑथर जो राइटर जो होता है वो एक ही आइडिया को लेकर चल रहा होता है। बट दिस इज़ नॉट द केस इन द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, लेकिन लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स इन द नावल ऑन द कंट्रेरी हैव अ डिग्री ऑफ
अनसर्टेनिटी एंड पोर्ट्रेट एट फर्स्ट लविंग एंड कम्पैशनेट। लेकिन क्या है कि इस करैक्टर इस नावल के जो करैक्टर्स हैं ना वो टाइम के साथ साथ चेंज होते जाते हैं। राल्फ हु सिग्निफाइज डिसेंट ब्रॉड माइंडेड लीडरशिप इज ऑल्सो ट्रबल्ड बाय इनडिसीजन एंड इनकैपेसिटी टू एक्सप्रेस हिज बिलीफ। यानी ऐसा राल्फ जो एक अच्छा करैक्टर होता है, एक डिसेंट बंदा होता है और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें जो है कुछ फ्लॉज पाए जाते हैं। वो अपने अकायद को जो है बयान नहीं कर पाता और इवन थिंक द विद द क्लैरिटी ऑफ क्रिटिकल मोमेंट्स, और ना ही वो बहुत ही जो नज़ाकत के लम्हात होते हैं उनको समझ पाता है। ऑन द अदर हैंड जैक हु सिंबलाइजेज विकडनेस एंड इवल डूइंग। अब जैक जो है एक बुरा करैक्टर होता है, सारी बुराइयां करता है, अंडर गोज मोमेंट ऑफ फ्रेगिलिटी एंड इन्फर्मिटी एज वेन द बॉयज डिसाइड टू रिटेन रल्फ एज देयर हेड। तो वो जो जैक होता है वो इस चीज़ को जल्दी से समझ जाता है कि यानी जब लड़के जो है रैल्फ को अपना हेड जो है बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैक इज़ डेलिनेटेड काइंड हार्टेडली एट द स्टार्ट ऑफ द नावल। अब जैक जो होता है वो नावल के स्टार्ट में एक रहमदिल इंसान होता है, एंड गोज एक्सट्रीमली हॉस्टाइल एज ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लोरिटी ही एक्ट्स ऑन द पिग्स एंड अदर बॉयज़। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो बिल्कुल उसका मुखालिफ और एक ज़ालिम इंसान बनता जाता है, जैसे जैसे उसका जुल्म जो है वो बढ़ता जाता है पिग के साथ और दूसरे लड़कों के साथ। सो वी कैन से डैट इंस्टेड ऑफ स्टेइंग अनचेंज्ड एंड सिंगल डायमेंशनल द करेक्टर्स ऑफ लॉर्ड ऑफ फ्लाइज ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नावल। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी नावल के जो करैक्टर हैं वो किसी एक सिंगल डायमेंशन में या किसी एक सिंगल एक्ट को परफॉर्म नहीं करते, बल्कि पूरे नावल में जो है वो चेंज होते रहते हैं, उनकी हैबिट्स, उनके फिजिकली या फिर उनके जो आप उनके जो है करैक्टर वाइज कह लें या उनको मॉरली कह लें। दिस मेक्स गोल्डिंग्स नावल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर क्लासिकल वर्क्स ऑफ एलेगोरिकल नावल। तो ये चीज़ जो है उसको दूसरे एलेगोरिकल नावल जो कि क्लासिकल होते हैं उनसे डिफरेंट बना देती है। कंक्लूजन करेंगे हम, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज ब्रॉडली रीड एंड एक्सप्लेन बाई मैनी स्कॉलर्स बहुत इन रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस वेस। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज जो है एक बहुत ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला नावल है, जिसको बहुत ही से स्कॉलर्स ने मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गैर मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बयान किया है। गोल्डिंग एम्प्लाइज द पोलिटिकल सोशल एंड बिब्लिकल सब्जेक्ट्स टू इनरिच हिज स्टोरी एंड पास ऑन हिज आइडियाज डेट ह्यूमन बींग्स आर विक्ट एंड इमोरल एंड रिक्वायर्स एन अलायंस विद गॉड टू बी कम्प्लीट एंड गुड। तो गोल्डिंग ने जो है सियासी माशर्ती और मजहबी जो है रेफरेंसेस देके अपना यह पैगाम जो है रीडर्स तक पहुंचाने की कोशिश की है कि इंसान जो है वो नेचुरली जो है विकेड होता है, बुरा होता है, इमोरल होता है, लेकिन अगर उसका जो है खुदा के साथ रिलेशनशिप अच्छा बन जाए तो वो एक कंप्लीट और अच्छा इंसान बन सकता है। द नावल करेक्टर सब्जेक्ट्स एंड सेटिंग ऑल इवॉल्व बेसिक ऑफ द नावल ऑन द फॉल ऑफ मैन। तो इस नावल का भी जो सब्जेक्ट थीम सेटिंग सब कुछ जो है ना वो फॉल ऑफ मैन के गिर्द रिवॉल्व करती है, जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट था, सिविलाइज्ड एंड डेमोक्रेसी एंड द इशूज ऑफ विकेडनेस एंड एब्सोल्यूटिज्म। सो बिकॉज गोल्डिंग नावल इज इन कॉर्पोरेट्स करेक्टर सेटिंग एंड सिचुएशन डेट कैन बी एक्सप्लेन टू एक्ट फॉर हिडन मीनिंग एंड विद द मॉरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस डैट इज़ वाई वी कैन कंसिडर लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एंड एलेगोरिकल नावल। कि यानी इसमें जो है इसको अगर एज अ स्टोरी पढ़ें तो ये सिर्फ एक स्टोरी ही नहीं है कुछ करेक्टर्स की या कुछ सेटिंग्स की, लेकिन इसके अलावा इसके सोशली रिलीजियसली और जो है ना मॉरली इसके बहुत से हिडन मीनिंग मिलते हैं। यही वजह है कि लॉर्ड ऑफ फ्लाइज को एक एलेगोरिकल नावल कहा जाता है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर की समझ आ गई होगी। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी यू मे आस्क मी फ्रीली। अल्लाह हाफिज़।